आज तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन है उनके सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो सहयोग राशि इकट्ठी की लगभग 56 लाख रुपया, उससे जो है ये करीब 500 के आसपास ये सोलर यूनिट्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, इनके माध्यम से जो सोलर एनर्जी जनरेट होगी उससे फिर बिजली की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, लाइट है, रेडियो है, कोई बैटरी की फ़ोन की चार्जिंग इत्यादि की सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं ताकि जहाँ बिजली डिस्टर्ब होने के कारण बेसिक जो सर्विस सेंटर्स हैं यानी कोई डिस्पेंसरी है वहाँ डिस्पेंसरी में बेसिक सर्विस देने के लिए भी कुछ बेसिक चीज़ तो ज़रूरी है ना, बिजली तो ज़रूरी है, लाइट बेसिक लाइट तो ज़रूरी है, या ये पंखा तो ज़रूरी है एक वहाँ मरीज़ के लिए या डॉक्टर के लिए। तो ये एक कम से कम इमरजेंसी सिचुएशन को हम जब तक सिस्टम्स रीस्टोर होते हैं तब तक, क्योंकि इतने बड़े जब फ्लड को प्रभावित होने के बाद सिस्टम्स को रीस्टोर होने में भी कई बार कई महीने लग जाते हैं, तो वो सारा पीरियड जो है ट्रांजिशनल। तो और फिर दूसरा एक सोलर एनर्जी के लिए एक जो देश में आंदोलन इतना बड़ा डेवलप हो रहा है उसका भी बड़ा संदेश है इसके अंदर।